नगर निगम सभागार में उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश शुल्क बंदोबस्ती प्रक्रिया की गई। इस दौरान सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले आरडी रोडवेज के मालिक दीपक कुमार यादव के नाम निगम के प्रवेश शुल्क बंदोबस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई टोल टैक्स पाए जाते हैं, जिसके बंदोबस्ती के लिए आज बोली लगाने की प्रक्रिया रखी गई थी। इस दौरान कुल 5 डाका भोक्ता ने बोली में भाग लिया। भाग लेने वाले में आरडी रोडवेज के दीपक कुमार यादव, महादेव एंटरप्राइजेस के अभय कुमार सिंह और कई एंटरप्राइजेस के व्यक्ति यहां शामिल हुए थे। इस दौरान 2,20,21,000 की उच्चतम बोली आरडी रोडवेज के दीपक कुमार यादव ने लगाया, जिसके बाद से ये उनका हो गया। पार्टिसिपेट किया था इस नीलामी के लिए, जो प्रवेश शुल्क बंदोबस्ती के लिए है। हमारा सुरक्षित जमा राशि था 2,17,80,000 रुपया, जिसमें 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आरडी रोडवेज जिनके प्रोप्राइटर हैं दीपक कुमार यादव जी, दूसरे महादेव इंटरप्राइजेस जिनके हैं अभय कुमार सिंह, तीसरे हैं प्रभाकर राय जिसके हैं प्रभाकर राय जी ही, थर्ड है अविनाशी इंटरप्राइजेस, फोर्थ है सुमन कुमार राय, फिफ्थ है सुमन कुमार राय, जिसमें से कि आरडी रोडवेज को जिन्होंने उच्चतम डाक लगाया 2,20,21,000 में हमारी बोली फाइनल हुई, उनको ये डाक बंदोबस्त किया जा रहा है। जिसमें कुल 5 जो हमारे डाक वक्ता ने भाग लिया, एक है आरडी रोडवेज जिसके प्रोप्राइटर हैं दीपक कुमार यादव जी, सेकंड है महादेव इंटरप्राइजेज उनके हैं अभय कुमार सिंह, थर्ड है प्रभाकर राय, फोर्थ है अविनाशी इंटरप्राइजेज जिनके हैं अविनाश कुमार, फिफ्थ है सुमन कुमार राय। हमारी जो सुरक्षित जमा राशि थी 2,17,80,000 रुपया थी, जिसमें अधिकतम डाक आरडी रोडवेज के द्वारा लगाया गया 2,20,21,000। सेकंड जो बिड गया उनके बाद वो 2,20,11,000 लगा अविनाशी इंटरप्राइजेस के द्वारा। अधिकतम डाक वर्ता आरडी रोडवेज को के साथ बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है। कितने साल के लिए बंदोबस्ती किया गया मैम? ये हमारा बंदोबस्ती 7/5/22 से 31/3/23 तक के लिए है।